नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल आकाशी टीपी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हमारी स्टोरी का टाइटल है द प्रेटी बर्ड्स। प्रेटी मतलब सुंदर पक्षी, एक सुंदर पक्षी। चलो इसमें काफ़ी स्पेलिंग सीखने को मिलेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव ए वेरी प्रेटी बर्ड्स। एक बार की एक बात है, एक सुंदर पक्षी रहता था। हर ब्यूटिफुल फेदर्स वेयर इन सेवन कलर्स। फेदर मीन्स पंख, उसके सुंदर पंख और सेवन सात रंगों के थे। इट्स सीम लाइक ए रेम्बो, रेम्बो का मतलब इंद्रधनुष, और वह इंद्रधनुष की तरह दिखते थे। सी लिव्ड ए वेरी हैप्पी लाइफ, और वह एक खुशहाल जीवन जीती थी। एंड कैप्ट ऑन फ्लाइंग फ्रॉम वन ट्री टू अनदर। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक पेड़ पर उड़ती रही। ऑल द अदर्स बर्ड्स इन द सराउंडिंग अप्रिशिएटेड द कलर्स ऑफ द बर्ड्स ब्यूटिफुल विंग, और आसपास के सभी पक्षी उनकी सुंदर पंखों की सराहना करते रहते थे। ऑल दे ऑल विश टू प्ले एंड एंजॉय विथ हर, और वह उसके साथ खेलना और आनंद लेना चाहते थे। बट द कलरफुल बर्ड्स वॉच कंटिन्यूसली अवॉइडिंग ऑल द बर्ड्स बिकॉज सी डिड नॉट लाइक देम। परंतु रंग बिरंगी चिड़िया लगातार उनसे बचती रही क्योंकि उन्हें पसंद नहीं करती थी। सी सैड विथ अरोंग्स का मतलब अहंकार। उसने अहंकार से कहा, यू ऑल आर डिसगस्टिंग एंड अगली। तुम डिसगस्टिंग का मतलब होता है घिनौने, और अगले का मतलब होता है बदसूरत। तुम घिनौने और बदसूरत हो। आई डू नॉट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। ऑल द बर्ड्स ऑलवेज विश्ड टू टच हर फेदर्स, और वह सभी पक्षी उनके सुंदर पंखों को छूने की इच्छा रखते। दे वेयर इन लव विथ द ब्यूटिफुल कलर्स ऑफ द फेदर्स, और वे सभी सुंदर पंखों के दीवाने थे। द क्रोक सैड, कौवे ने कहा, आई लाइक योर रेड कलर्स एक्सट्रीमली। एक्सट्रीमली मतलब होता है बेहद, मैं तुम्हारा लाल कलर बहुत पसंद करता हूँ। द स्पैरो चिड़िया ने कहा, सी हु अट्रैक्टिव द येल्लो कलर्स इज, देखो पीला कलर कितना आकर्षण है। बट द कलरफुल बर्ड्स सिलेटेड गो अवे, कलर रंग बिरंगी चिड़िया बोली, तुम यहाँ से चले जाओ। यू ऑल वुड मेक माई फेदर्स डट्टी, तुम मेरे सुंदर पंखों को गंदे कर रहे हो। All the birds flew away, और वे सभी पक्षी उड़ गए। Now the colorful birds got depressed and felt extremely sad, और वह बहुत दुखी और उदास रही। Tears welled down her eyes, और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। He did not have any friend, अब उसका कोई दोस्त नहीं रहा। No one like टू प्ले विथ हर, अब उसके साथ कोई खेलने के लिए भी नहीं रहा। सी वॉज एक्सट्रीमली आइसोलेट, अब वह बिल्कुल अकेली रह गई। द इंटेलिजेंट आउल्स सो हर वीपिंग, और बुद्धिमानी उल्लू ने उसे रोते हुए देखा। ही सैड, और कहा, ओ माई डियर प्रेटी बर्ड्स, ओ मेरी प्यारी चिड़िया, यू आर वेरी अरोंग्स्ट, तुम बहुत अभिमानी या अहंकारी हो। यू डू नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, अब तुम्हारा कोई दोस्त भी नहीं है।
द बर्ड सैड, और चिड़िया ने कहा, सर आई एम एक्सट्रीमली सैड, मैं बहुत उदास हूँ। वॉट शुड आई डू दिस टाइम, मुझे इस बार क्या करना चाहिए। द वोल्स रिप्लाई, और उल्लू बोला, गो एंड मीट द अदर्स बर्ड्स, जाओ और तुम दूसरे पक्षी से मिलो। लेफ्ट देम सी यू आर अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग फेदर्स सैड फीलिंग हैप्पी, और तुम आकर्षण पंखों को दिखाओ और खुशी महसूस करो। द प्रेटी बर्ड्स फ्लू अवे इमीडिएटली टू द ट्री वेयर ऑल द रिमेनिंग बर्ड्स वेयर सिटिंग, वह तुरंत उड़कर दूसरे पेड़ पर गई जहां दूसरे पक्षी बैठे थे। सी सैड, और कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मुझे बहुत खेद है। आई वॉज वेरी रूड टू यू ऑल, मैं तुमसे बहुत रूखा। प्लीज़ बिकम माई क्लोज फ्रेंड, और तुम मेरे घनिष्ठ वाले मित्र बन जाओ। आई एम विलिंग टू इन्जॉय एंड प्ले विथ यू ऑल, मैं तुम्हारे साथ आनंद और खेलना चाहती हूँ, आनंद लेना और खेलना चाहती हूँ। देयर बर्ड्स बिकम वेरी ग्लैंड, और वे बहुत प्रसन्न हुए। दे सैड टूगेदर, और उन्होंने एक साथ कहा, माई डियर प्रेटी बर्ड्स, ओ मेरी प्यारी चिड़िया, लेट हस बिकम क्लोज टू इच अदर, हम एक दूसरे के पास आए। देयर प्रेटी बर्ड्स स्माइल एट हर पिक्ड ऑन एंड स्टार्टेड प्लेइंग विथ देम। पिक का मतलब होता है ऊंची जगह या शिकर, वह ऊंची जगह पर बैठकर हंसी और उनके साथ खेलने लगी। नाउ सी हैड मेड से लेवल फ्रेंड, अब उन्होंने अनेक फ्रेंड बना लिए। लाइफ इज टोटली इनकम्प्लीट विदाउट गुड फ्रेंड, और जिंदगी अधूरी रहती है एक अच्छे दोस्त के बिना। द प्रेटी एंड कलरफुल बर्ड्स हैज नाउ क्लियरली अंडरस्टूड दिस, और सुंदर और रंग बिरंगी चिड़ियाँ पूरी तरह से समझ गई थी।